पॉन देख रहा था। यस मैं पॉन देख रहा था और मेरी माँ ने मेरे को पकड़ ली थी। क्या हो गया? आपका चेहरा देख के हमें कुछ लग रहा है कि आपके साथ बहुत गंदा हुआ है। क्या हुआ सर? नहीं सर, सर प्लीज, जब बाप से मस्ती क्यों करते हो? नहीं खो जाना ना, ऐसे नहीं खो जाया करो प्लीज। मामा वहाँ देख ले, पप्पू जग गया। माँ माँ पप्पू जग गया, माँ इसके लग गए। माँ माँ क्या हो गया ना? तो माँ इसको समझाओ ना, हमसे बड़े मियाँ से क्यों मस्ती करते हैं? क्यों करते हो बेटे? इसका पप्पू अगली बार बचेगा नहीं। बचेगा नहीं, सिर्फ सुना था बचेगा नहीं। देख मम्मी जी, हमने ऐसी बातें नहीं करना चाहता। बंदा चल चल अवे। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, इट्स मी ईसा एजारानी। वेलकम टू टुडेज व्लॉग। के आप सबका स्वागत है। द मोस्ट अवेटेड व्लॉग, द मोस्ट अवेटेड व्लॉग, द Q&A व्लॉग इज हियर। फाइनली भगवान ने मेरे को थोड़ा सा टाइम दिया, बिजी शेड्यूल से पेपर से निकाल के मेरे को टाइम दिया कि मैं ये शूट कर सकूं। आई नो एक वीक लेट हो गया हूं, पर कोई नहीं, अपन अभी जल्दी बनाते हैं वीडियो, ठीक है? कोई टेंशन नहीं, अभी पेपर खत्म हो गए तो अपन फटाफट फटाफट वही वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है? मैंने तुम्हारे को एक बात याद है, मेरे को बोला था बी स्मार्ट इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछो, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक थोड़ी कम है तो मेरा वहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट में 200 के ऊपर क्वेश्चन, भगवान जाने 200 के ऊपर क्वेश्चन यार कौन पूछता है। मैं लेते लेते पागल हो गया, पर ठीक है कोई नहीं। थोड़े से रिपीटेड क्वेश्चन थे तो जिसमें ज्यादा कंटेंट लेंगे और जिसमें थोड़े ज्यादा मस्ती आएगी तो अपन वही लेंगे। और थोड़े से ये ऊपर नीचे हो सकती है वीडियो, तो थोड़ा हेडफोन्स पहन लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना @IAMSahiljahrani। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इंस्टाग्राम के क्वेश्चन लेते हैं फिर बाकी सबके लेते हैं। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंस्टाग्राम। मैंने बोला था इंस्टाग्राम से पूछूंगा। इफ यू एवर हैड, यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हारे को, इफ यू एवर हैड अ चांस टू स्टील समथिंग फ्रॉम जीतू, व्हाट वुड इट बी? जीतू के पास यार सबसे सही चीज है उसकी काइंडनेस, उसके से हमें को और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं उससे थोड़ा बहुत सीख सकूँ तो वही बहुत है मेरे लिए, बहुत सही बंदा है वो, काइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। पूछा है रिया ने, यू आर सो क्यूट। मन में लड्डू फूटा। थैंक यू सो मच रिया, दिल से शुक्रिया, हम तो क्यूट ही पैदा हुए थे, क्या कर सकते। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ भैया से। सौरभ भैया की सीरियसली शक्ल देखो तुम, बच्चा होगा ये 15 साल का। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, सेक्स किया है कभी? क्या लगता है, नहीं किया है ना? करा दो यार। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। साला बच्चे बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते तो मैं क्या ही बोलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंस्टाग्राम से ही है, आ गया हूँ क्वेश्चन, कितनी एक्स थी आपकी? ये है ना, बहुत लोगों ने पूछा है कितनी एक्स थी, जो मेरे साथ पॉली में थे, डिप्लोमा में थे मेरे साथ, उनको सबको पता है मेरी ऑफिशियली जो थी वो सिर्फ 2 थी, अनऑफिशियली मेरे को भी नहीं पता कितनी थी, सीरियसली मेरे को भी नहीं मालूम कितनी। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। अभी अपन आगे कम्युनिटी पोस्ट पे से, इंस्टाग्राम से मैंने इतने लिए, बाकी सब थोड़े वो ही थे, बिग फैन एंड ऑल जो भी था, ठीक है? क्या जीतू भैया आपको अपनी चैनल की प्रैंक्स में मनी शेयर करते हैं? Q&A, लव फ्रॉम इंदौर, शाउट आउट डेविल एक्स गेमिंग, लव फ्रॉम नागपुर। फर्स्टली थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया, टाइम दिया, ठीक है? हाँ जीतू, पैसे अब हमारे को लेने की जरूरत ही नहीं है, जो भी पैसा एक सेकंड, देखो इसमें पैसे की कोई बात ही नहीं आती, हम फैमिली में कहाँ से पैसे लेंगे, कुछ भी बातें कर रहे हो। अगर हाँ नीड रहती है मम्मी को तो हम लोग शेयर करके दे देते हैं, तो इसलिए हम नहीं, पैसे कभी नहीं लिए, कभी नहीं, ना दूंगा मैं कभी पैसे। यार भाई अपना छोटा, हाँ बाप बाप होता है पर ठीक है, भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर है, ओ माय गॉड। फेवरेट फूड मेरा है बटर चिकन, ठीक है? फेवरेट कलर ऑलवेज ब्लैक, पर अभी ये वाइट है तो कोई नहीं, ठीक है? फेवरेट मूवी है मेरी लूसी, लूसी मूवी बहुत प्यारी, देखना। फेवरेट सॉन्ग जान बन गए, एनी टाइम जान बन गए। फेवरेट प्लेस टू विजिट इन अ वर्ल्ड, फेवरेट प्लेस टू विजिट, अगर इंडिया की बात करोगे तो केदारनाथ सबसे बेस्ट है, और वर्ल्ड की बात करोगे तो यार वर्ल्ड में बहुत सारी प्लेसेस बहुत प्यारी प्यारी है, मेरे हिसाब से पेरिस जाना चाहिए, पेरिस बहुत प्यारी प्लेस है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजायर से, ठीक है? आपने कभी इंटरनेशनल ट्रेवल किया है? इफ यस विच कंट्री? बड़े हो गए, बैंकॉक, बैंकॉक थाईलैंड पटाया, बैंकॉक। बड़ा हरामी हो बेटा, फैमिली के साथ गया था सालों, हरामी मत बनना, फैमिली के साथ गया था। कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या गुंडा बनेगा रे? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? ये क्या बात हुई भाई,
मेरे पास दो बच्चे हैं ठीक है, वो एक डीपीएस में पढ़ता है और एक सेंटर पॉइंट में पढ़ता है ठीक है, तेरी बंदी को पटा रहा है वो भी। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, इस पर ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग अपना यूट्यूब कैसे ग्रो करें यार, प्लीज सजेस्ट सम ठीक है। देखो सबसे पहले तो यूट्यूब को ग्रो करने में मालूम है इजी है, मतलब इजी नहीं है, मैं मानता हूँ इजी नहीं है, सीरियसली इजी नहीं है। कंसिस्टेंसी इज अ की, कंसिस्टेंट रहोगे और क्वालिटी में तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा तब जाके तुम्हारी वीडियोस चलेगी, मेन बात, और कुछ नहीं होता। और खुद के जम पे जो करोगे ना वो बहुत प्यारा लगता है। जस्ट मीम्स ने पूछा है हु वॉज योर इंस्पिरेशन फॉर स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल, प्लीज टेक इट बिग फैन, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए भैया जस्ट मीम्स, थैंक यू सो मच। देखो मेरे को इंस्पिरेशन का तो बोलोगे तो इंस्पिरेशन तो देखो मेरा मुंबई का निखिल है, बहुत सारे लोग हैं फ्लाइंग बीच से, बहुत प्यारे प्यारे हैं, पर जो तुम परफेक्टली पूछोगे ना, मैंने ये वाले वीडियो में बताया है जो मेरा सबसे पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन, जो भी मैंने बताया था कि सनरे बी करके एक यूट्यूब चैनल है जिससे मेरे को इंस्पायर किया था कि मैं वीडियोज बना सकता हूँ। उसका 4 बजे तक के मैं वीडियोज देख रहा था, फिर मैंने एक घंटा सोचा, फिर मैंने बोला नेक्स्ट डे पे ही मैंने सुबह को पोल डाल दिया था कि मैं नहीं, तभी के तभी शायद से मैंने डाल दिया था कि मैं चैनल बनाने वाला हूँ, और नेक्स्ट डे मेरे 1 घंटे के अंदर 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे, थैंक यू सो मच उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रहा हूँ, आई नो सही पकड़े हैं। ये है मेरा कॉलेज का दोस्त, बड़ा हरामी है मेरे जैसे। भाई सॉरी बता दे भाई आज तेरी जीएफ का नाम खुल के सबके सामने। भाई तेरे को भी पता यार मेरी कोई जीएफ नहीं है। चल झूठा नहीं, अपना सिर्फ थाइनोस का हाथ है ना वही काम में आता है, अपन क्या ही करें, अपने पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी सबसे मेन क्वेश्चन है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है, खुद बड़े क्रिएटर ने पूछा है हमको, भाई आपका भाई के स्क्रिप्टेड प्रैंक रहते हैं क्या, भाई आपका भाई के स्क्रिप्टेड प्रैंक रहते हैं क्या, आप ही बता दो भैया, क्योंकि आपका ही चैनल है, स्क्रिप्टेड तो रहते नहीं मेरे को मालूम है, क्योंकि जो मेरी उंगलियां टूटी है यहाँ वहाँ लगा है तो मेरे को नहीं लगता मेरे स्क्रिप्टेड प्रैंक से, बाकी जिसको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको लगता है, हमको भी बहुत कुछ लगता है, सबको लगता है ठीक है, कोई सेंसेस बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी फ्रेंड ने ही पूछा है, वो भी मेरे जैसी से ठीक है, इसका क्वेश्चन है देखो, आप इतने सारे प्रैंक्स करते हो तो नेक्स्ट प्रैंक के लिए आपकी मम्मी को पता नहीं चलता कि आप उनपे फिर से प्रैंक करने वाले हो, योर फ्रेंड प्लस फैन, थैंक यू सो मच रिया कमेंट करने के लिए। फर्स्टली देखो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हम जो वीकली वीडियोज डालते हो कैसे डालते, देखो मेन है हम है ना मम्मी के ऊपर है ना एक मंथ में एक वीडियो शूट करते हैं, एक मंथ में भी नहीं, बहुत मतलब टाइम लेने के बाद शूट करते हैं क्योंकि हमारे पास पड़ी रहते हैं, पर क्या कभी कभी हमारे को है ना जो हमने टाइम दिया रहता है ना उसके हिसाब से डालना पड़ता है, इसलिए मम्मा को नहीं पता चलता, और बहुत सारी वीडियोस ऐसे भी रहती पता है कि जो पता चल जाता है हम लोग वीडियोस अपलोड नहीं करते क्योंकि उसमें पता चल गया तो, और फिर वो क्या स्टार्टिंग में 1-2 मिनट में फिर खत्म हो गए तो कंटेंट कहाँ बनेगा तुम ही बताओ, तो हम वो नहीं डालते। बहुत मेन क्वेश्चन था इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, सॉरी। ये भी मेरी हमारे क्लास की सीआर है, थैंक यू सीआर आपने कमेंट किए ठीक है। दिस और दैट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, एनी टाइम यूट्यूब, इंस्टाग्राम नहीं यूट्यूब ठीक है। अभी मैं यूट्यूब को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। हु इज योर क्या ये अरे भैया तू क्या देख लियो भागे बीच में कुछ भी कर रहे हैं। Anyways, फिर से पूछता हूँ ठीक है। ग्रेस ने क्वेश्चन पूछा है ठीक है, दिस और दैट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, एनी टाइम यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील्स देखता हूँ मैं और कहीं कुछ करता ही नहीं। हु इज योर गुड फ्रेंड, मी और मी, ऑब्वियसली टू ये ठीक है, टू ये मालूम है मेरे को, तू टू ये बस प्यारी समझ गई है। अरे हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, अगर इससे रिलेटेड एक वीडियो है अगर वो नहीं देखा है तो यहीं पे तुम्हारे को फ्लैश करके दिखा दी होगी, वो देखना, पप्पू सो गया था उसके लास्ट की वीडियो की जो मैंने रिवेंज लिया है ना, मजेदार वीडियो, वो रिसेंट वीडियो ये, तो यहीं पे दिख जाएगी तुम्हारे को। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, जीतू का रिवेंज कब लोगे और आपकी इंगेजमेंट हुई है या नहीं, नहीं इंगेजमेंट तो नहीं हुई है पर रिवेंज जरूर ले लिया है मैंने, वो देख लेना। जीतू का भी मैंने वीडियो डाला था स्टार्टिंग में, अगर तुमने देखा है, नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, यहीं पे अभी शो ही कर रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत प्यारा है ठीक है, हैव यू एवर स्मोक, मैंने ट्राई किया था एक बार पैसा बर्बाद बहन चोद हो गया, मैंने बोला मेरे लायक नहीं है ये चीज तो मैंने नहीं किया ठीक है। या कभी कुछ गलत करते हुए पकड़े गए हो क्या, हाँ मैं गलत नहीं बोलेंगे, नेचुरल है पर ठीक है, मैं पॉर्न देख रहा था
यस मैं पॉर्न देख रहा था और मेरी माँ ने मेरे को पकड़ ली थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बात है सिक्स या सेवन या एर्थ की बात होगी, हम लोग क्या क्या था सीन मैं बताओ कि नहीं बताओ। हम लोग मतलब समझ लो मेरे फ्रेंड लोग है ना ग्रुप में बैठ के ऐसे एक फोन में, जैसे बंदो लोगों का कैसा रहता ऐसे एक फोन में, ऐसे एक फोन में ऐसे बैठ के देखते हैं ठीक है। तो मेरी माँ का और मतलब मेरी माँ ना सामने ही थी और हम लोग ऐसे देख रहे थे, तो मेरी माँ थोड़ी ख्याल से समझ गई थी क्योंकि मम्मा इंटेलिजेंट है आई यू नो ऑल ठीक है। ऐसे देख रहे थे तो मेरी माँ ने मेरे को बोला इधर आ इधर आ इधर आ, क्या कर रहे थे सही सी बता, नहीं मारूंगी क्या कर रहे थे। तो मैंने बताया तो फिर मम्मा ने मारी नहीं थी, फिर मम्मा ने बोली थी नहीं देखना, तो यही हुआ था वहाँ पे। अपने अपनी नहीं यार ये क्वेश्चन यार कैसे पूछते हैं पूछते हैं, आपने कभी अपनी जीएफ को किस किया है? हाँ तो अभी कर दिया, हमारा थाइनोस का हाथ है ना वही हमारी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारा एम क्या है? हमारा एम है तुम सबको खुश रखना और क्या, और मम्मी की हेल्प करना, मम्मी काम ना करे ये मेरा एम है बस। आर यू अ बॉय और गर्ल? लेके देख ले पता चल जाएगा तेरे को भी। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 10K सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। 12K हो गए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो ठीक है। नाउ माई क्वेश्चन इज इन विच फील्ड यू वॉन्ट टू गो एंड वॉट इज योर फ्यूचर प्लानिंग? देखो मेरी कभी फ्यूचर प्लानिंग ना मैंने की है ना करूँगा, सिर्फ मेरा ये है कि थोड़ा अच्छा सा सेटल हो जाऊँ और क्या। और विच फील्ड मतलब फील्ड तो हमारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो वही इंजीनियरिंग बन के आगे निकलना चाहते हैं हम और थोड़ा सफल हो जाए यही हमारी इच्छा है भगवान से। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं ठीक है। अगर तुम्हारा थोड़ा सा पसंद आया Q&A वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई नो अगर जिसका मैंने क्वेश्चन लिए नहीं लिया है तो कमेंट्स में गालियाँ मत देना प्लीज़, जो नेक्स्ट Q&A रहेगा अपन उसमें ले लेंगे तुम्हारे को। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना @IAMSahilJarani, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है। लाल बटन है उसको पट से दबा लो, घंटा भी प्रेस कर दो, जो करना है करो तुमको, और नया चश्मा देखेगा तुम लोगों। चलो मैं पूरा रेडी हो गया था यार, देखो कितना रेडी हो गया, पंखा होगा एक घंटे से बंद है, एक घंटे से शूट कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ आई डोंट नो। चलो बाय, पीस आउट ठीक है, मिलते हैं। और हाँ प्लीज सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर लो, दया होगी तुम्हारी।